इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कैल्पोल्टी टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। खुराक और अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और यह आपके लक्षणों में कितनी अच्छी तरह मदद करता है। यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तब भी आपको तब तक दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि डॉक्टर यह न कहे कि इसका उपयोग बंद करना ठीक है। इस दवा का उपयोग करने से मतली, उल्टी, कब्ज, कमजोरी और मुंह में सूखापन जैसे कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं जो दूर नहीं होता है या खराब हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपका डॉक्टर लक्षणों को रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। सामान्य तौर पर आपको अपने लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक छोटी मात्रा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। दवा का उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको कोई अन्य चिकित्सीय स्थिति या विकार है। यह आपके द्वारा उपयोग की जा रही कुछ अन्य दवाओं को भी प्रभावित कर सकता है या उनसे प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। इसका उपयोग उन रोगियों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए जो शराबी हैं या जिन्हें लीवर या किडनी की बीमारी है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। कैल्पोल्टी टैबलेट के लाभ। दर्द से राहत। कैल्पोल्टी टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल जोड़ों और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली स्थितियों में दर्द, सूजन और सूजन से थोड़े समय के लिए राहत के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संदेशवाहकों को अवरुद्ध करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बताए गए अनुसार लें। आवश्यकता से अधिक या अधिक समय तक न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामान्य तौर पर आपको कम से कम संभव समय के लिए सबसे कम खुराक लेनी चाहिए जो काम करती है। इससे आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बेहतर, अधिक सक्रिय, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। कैल्पोल्टी टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। कैल्पोल्टी के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, उल्टी करना, कब्ज, कमजोरी, चक्कर आना, मुंह में सूखापन, तंद्रा। कैल्पोल्टी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। कैल्पोल्टी टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।